नेक्स्ट है, आपके पास एक प्लेन मिरर है, मैं यहां से समझाता हूँ डायग्राम से। आपके पास एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर 0.1 से पास हो रहा है, तो ठीक है मैंने पास कर दिया। आपके पास एक सोर्स है, एस सोर्स है, जिसका कोऑर्डिनेट 1.0 है, ये रहा। कह रहा है इमेज कहाँ बनेगी, बस ये बता दो। तो मेरे को ये पता है कि अगर ये प्लेन मिरर है और यहाँ से ये सोर्स है, सोर्स का कोऑर्डिनेट 1.0 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस 1 है, और ये 0.1 का मतलब ये क्या है, ये भी 1 है। तो ये पाइथागोरस से डिस्टेंस कितना आ गया, √2 आ गया। और प्लेन मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर इमेज है, तो इमेज की दूरी भी कितनी है, √2। और इस ट्राइंगल में √2 तब बनेगा जब ये 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना हो तो निकाल लेना, -1, -1, 2 इज द आंसर। तो कोऑर्डिनेट फन मतलब इस लग रहा है कि ये मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा है और फिजिक्स कम है, ऐसे ही है ना। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इसमें, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट निकालने हैं, तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दें या डिस्टेंस निकाल देना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये गिवन है कि एक फिगर है, इस फिगर के अंदर एक लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, और कितने एंगल पर, 40 डिग्री पे, और ये ना 10 डिग्री है। अगर रे इज रोटेटेड बाय 10 डिग्री क्लॉकवाइज, तो मैं पहले केस में 40 डिग्री की जगह दूसरे केस में 30 डिग्री, 10 डिग्री इधर आने का मतलब नया एंगल कितना है, 30। 30 डिग्री पे रे को मैं हिट करवाऊं तो चेंज इन डेविएशन कितनी है। भाई डेविएशन क्या होती है, पहले इसको पढ़ते हैं। डेविएशन है अगर आपके पास एक रे 40 डिग्री पे आ रही है और जा भी 40 पे रही है, अगर ये रे रिफ्लेक्ट ना होती तो ये ऐसे जाती, अगर रिफ्लेक्ट ना होती सीधी ऐसे जाती, पर फाइनली इसको कैसे जाना पड़ा, ऐसे। तो कितना डेविएट हुई, डेल्टा, इसे डेविएशन बोलते हैं। तो अगर ये एंगल 40 40 80 है तो डेविएशन क्या होगा, 180 में से 80 क्या कितना, 100, डेविएशन का एंगल 100 है। अब अगला पार्ट है इसका कि मैं इसको 10 डिग्री मोड़ता हूं तो कितना एंगल हुआ, 30 30, तो टोटल कितना हुआ, 60। तो डेविएशन क्या बनेगा, 180 में से 60 किया तो 120, तो अब डेविएशन कितनी है, 100। अब डेविएशन कितनी है इसमें, 180 में से 60 माइनस करो तो 120। डेविएशन का चेंज कितना है, 120 में से माइनस करना पड़ेगा 100, 20 डेविएशन का एंगल है। तो पहले डेविएशन निकालना सीखो, फिर चेंज इन डेविएशन निकालना सीखो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या रूल है इसमें, डेविएशन किसे बोलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आ ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, जिसमें कुछ ऐसा सा डायग्राम गिवन होता है, ऐसा रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट गई, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऐसे, और ये 60 डिग्री है। तुम्हें क्वेश्चन में मिरर्स का एंगल 60 डिग्री गिवन है, तुम्हें ये एंगल निकालना है क्या है इनके बीच में, बेटर डायग्राम ये रहा। तुम्हें 60 डिग्री पता है और तुम्हें ये एंगल निकालना है क्या है। अब मैथ की क्लास है इसमें, फिर इसका कोई लेना देना नहीं है, स्टार्ट हो जाओ, एंगल कैसे निकलेंगे। 60 डिग्री गिवन है और थीटा निकालना है, निकाल लो एंगल्स, कैसे निकलेंगे। ये कॉमन क्वेश्चन है, इस टाइप की ज्योमेट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो इसमें मैंने क्या किया, इसमें ऐसे किया कि रे ऑफ लाइट आई, देख रहे हो, रिफ्लेक्ट होके यहां पे गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके यहां पे गई ये, ठीक है, इनके बीच में एंगल थीटा थीटा सही है, यहां का एंगल 60 सही है। मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, मैंने यहां भी नॉर्मल ड्रॉ किया, दोनों नॉर्मल्स मिल गए, तो अगर ये 60 तो ये नॉर्मल का एंगल 120 हो जाएगा, क्योंकि तो टोटल एंगल का सम क्या होगा इसमें, 180। चलो 120 आ गया, खैर वो मुझे चाहिए भी नहीं है, शायद ऐसे ही काम चल जाए मेरा। तो मैंने इसमें क्या किया, तुम चलो नॉर्मल मिलाओ ना मिलाओ कोई चक्कर नहीं, ये तो तुम्हें पता है कि एंगल आई और आई है। तुम एक काम करो, ये ट्राइंगल कंसिडर करो, बस ये वाला, इस ट्राइंगल में ये बताओ कि ये नॉर्मल है इसके साथ, और अगर ये नॉर्मल है इसके साथ, और अगर ये टोटल 90 है और ये आई है, तो ये कितना बना, 90 माइनस आई, राइट, ऐसी बना 90 माइनस आई। अगर ये 90 माइनस आई है, ये 60 है,
तो ये एंगल कितना बना, 180 में से इन दोनों को ऐड करोगे तो 150 माइनस आई आएगा, तो कितना आएगा 30 प्लस आई आएगा, तो ये एंगल कितना हो गया 30 प्लस आई हो गया, सही है। अगर ये 30 प्लस आई है तो ये नॉर्मल है इसके साथ, तो फिर ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 90 में से माइनस करो तो कितना आएगा 60 माइनस आई। अगर ये 60 माइनस आया है तो ये भी कितना है 60 माइनस आई, राइट। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल कितना है 120 प्लस इसका साइड वाला एंगल कितना है आई, इसके साइड वाला एंगल कितना है 60 माइनस आई, और इन सबका सम कितना है 180। तो यहां से सॉल्व करके आई से आई कैंसल, नहीं क्या आएगा 120, नहीं कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, मेरे से आई टू नहीं गड़बड़ हुई है इसमें कुछ, फिर से एक बार इन ट्राइंगल, ये कितना था एंगल, हाँ ये ले लो कोई बात नहीं, ये एंगल ले लेते हैं, ये एंगल कितना आया था अभी 60 माइनस आई, ये सही है, ये कितना था 90 माइनस आई, यही था ना, इन तीनों का सम इक्वल टू कितना है 180। तो यहां से सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा, तो आई आ जाएगा, फिर वहां से थीटा भी आएगा, चेक करना जरा किसका कैसे आंसर आ रहा है, या ये भी कर सकते हो, थीटा निकालना है तो ये ट्राइंगल ले लो बेस्ट है, मैं तो आई निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये एंगल ले लो 2i, ये एंगल कितना है 2 इंटू 60 माइनस आई, और ये एंगल कितना है थीटा, इसको कर लो, इससे क्या होगा आई से आई टर्म कैंसिल हो जाए, क्योंकि बाकी ट्राइंगल में आई और आई कैंसिल हो जा रहे थे, कोई निकल के आ नहीं रहा था, थीटा को इंक्लूड कर लोगे आई और आई कैंसिल करोगे थीटा तो बची जाएगा आंसर, वो ट्राइंगल बेस्ट है, उससे आंसर आ जाएगा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आ रहा था, आ रहा है किसी ट्राइंगल से तो आएगा, दो में तो फेल हो गया यार मैं, तीसरा तो काम करेगा ही अभी नहीं सच बताऊं कि इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3D में मूवमेंट होने वाली है, अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, इमेजिन करो ये एक्स वाई प्लेन है, ये फर्स्ट जो है फ्लोर एक्स वाई प्लेन है, ये मिरर है, एंड अबव द मिरर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, इस मिरर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट ना उड़ रहा है, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों में उड़ रहा है, मूव कर रहा है, ये उसकी वेलोसिटी है। आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले बस मुझे यह बता दो कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, बस इतना, मिरर को ये स्टेटमेंट को ना पढ़ो, बस ये देखो कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 3D में, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि इमेज की वेलोसिटी में क्या एक्स और वाई एक्सिस में क्या कोई चेंज आएगा। अच्छा ये बताओ, ये मिरर है, अगर मेरा हाथ ऐसे मूव कर रहा है तो इमेज भी नीचे ऐसे मूव करेगी, तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इमेज है, कोई चेंज नहीं है, एक्स वाई में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर मेरा हाथ पास गया मिरर के 3D जेड एक्सिस में, हाँ इमेज भी पास आएगी, एक्स वाई में कोई चेंज नहीं है, जेड एक्सिस चेंज होगा, क्योंकि जब आप मिरर के पास जाते हो इमेज भी बिल्कुल उतना ही पास आती है विद सेम वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, कितने वेलोसिटी से पास आ रहा है, -11 आई कैप, तो इमेज की वेलोसिटी में
एक्स और वाई में तो कोई चेंज नहीं है, पर जेड में तो चेंज हो ही जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? एक्स और वाई में कोई चेंज नहीं है, जेड में चेंज होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, ये आधा क्वेश्चन हुआ है। अब वो कहता है जी ये तो ठीक है, अब कह रहे हैं मिरर को भी मूव करवाओ। अब मिरर इज ऑल्सो मूविंग पैरेलल टू इट सेल्फ विद द वेलोसिटी ऑफ दिस। अब कहते हैं मिरर भी मूव कर रहा है, एक्स वाई में मूव कर रहा है और जेड में भी मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट तो मूव कर ही रहा था, इमेज भी, मिरर भी मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी? मिरर का एक्स वाई में मूव करने से कोई फर्क ना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, इमेज को। मतलब अगर मैं यहां खड़ा हूं और आप मिरर को मेरे सामने से ले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी वेलोसिटी को। तो मिरर की ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे इमेज में, क्योंकि ये तो एक्स वाई का पैरेलल है, एक्स वाई के पैरेलल में कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन मिरर जब माइनस थ्री के कैप मेरे पास आएगा तो मेरी इमेज जो है वो और पास आएगी, कितनी वेलोसिटी से? डबल। क्योंकि अगर मिरर मेरे पास आता है तो इमेज डबल वेलोसिटी से पास आती है, तो मिरर मेरे पास आ रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ माइनस थ्री के कैप, तो अब क्या करेंगे इसमें? माइनस सिक्स के कैप से मेरी इमेज चेंज होगी इन सेम डायरेक्शन। अगर मिरर मेरी तरफ आ रहा है वाई, इमेज भी मेरी ही तरफ आएगी वाई, टू वाई। ये रिजल्ट था इन सेम डायरेक्शन, तो इसके ये सेम है, ये ऑपोजिट था ये सेम है। तो आपका फाइनल आंसर, इनका सम कर लेना, ये आंसर है, यही आंसर है। तो आपने दोनों इफेक्ट को कंसिडर करना है और अपना आंसर निकालना है।